हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोने चार ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी शाम का बज चुका है 4 और अभी बस घर का सारा काम करके और बैठे हुए हैं चिरा चरा करके। और चारू किसी का कर घर में ढलाई हो रहा था तो उधर मिला है मिठाई, तो देखिए किस तरह से गिरा रही है। रुको, लड्डू मिला हुआ है तो मेरा मुंह में भी पानी आ रहा है नगड़। तो सोच रहे हैं कि हम भी खाएं। और आज हमारे घर में नया नया सब्जी बनेगा, मतलब कि जो हम लोग फल लगाए थे ना, मेहनत का फल वो निकल रहा है। और आज हम लोग छोटे साइज वाला झींगी है, वही झींगी और आलू का, और उसके बाद में दाल बनेगा, बटर दाल का सब्जी। तो अभी हम दाल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर चारों साथ में खा रहे हैं। सब्जी को हम तोड़ करके रख लिए हैं। तो दाल इधर हम पकने के लिए चढ़ा दिए हैं। और ना मतलब सोच रहे होंगे आप लोग की 4 बजे ही सोना जी इतना जल्दी बना रहे हैं, भूख भी काफी ज्यादा लग रहा है। तो भात तो है लेकिन सब्जी नहीं है, तो सोचे कि क्यों ना आज बना करके जल्दी पल्दी खाएंगे। और ये देखिए हम लोग का ताजा ताजा सब्जी निकलना शुरू हो गया है। यही सब सिर्फ निकल रहा है, बस दो ही चीज तो है, ये झींगी है और उसके बाद में बीन है छोटा वाला, तो अभी बीन भी निकला नहीं है। तो ये वाला था जो मम्मी उस दिन बना रही थी, तो उस टाइम बहुत ही छोटा छोटा था, तो अभी 2-4 दिन 8 दिन हो गया है ना, तो भी इतना बड़ा बड़ा बढ़ गया। और ये सबको लेट नहीं लगता है बढ़ने के लिए। तो चलिए दाल हमारा पकेगा, तब तक इसको तैयारी कर लेते हैं, छील उल करके बना लेते हैं, फिर उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। तो चलिए उधर दाल हमारा तो बन रहा है, तो सब्जी बनाने की सोच रही थी। तो सब्जी सोच रहे हैं कि मतलब अभी इसको नहीं बनाएंगे, अभी यहाँ पर हम पहले आटा सान लेते हैं। तो आटा ये हमारा नहीं है, ये हमारा है मैदा, तो मैदे का ही आज रोटी बनाएंगे। तो सान लेते हैं, नमक वगैरह डाल दिए हैं। मैदा के रोटी रहेगा और उसके बाद में ये हमारा झींगी का भुजिया, तो काफी अच्छा लगेगा। दाल भात भुजिया हो जाएगा और ये हमारा रोटी भी भुजिया हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वैसे तबीयत खराब था तो बाबू का भी है, तो सोच रहे कि एक आध गुड़ भी खाएंगे। और बाबू का आज ही सुई दवाई हुआ है, सुई वगैरह मिल गया है, 2 ठो मिला है सुई। चलिए सानते हैं पूरी तरह से अच्छे से एकदम। तो हम मैदा का आटा सान करके रख लिए हैं और फूलते रहेगा, दाल हमारा पकते है। और यहाँ पर अब हम सब्जी का तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस तरह से छील छील करके और यहाँ पर पानी में डुबाते जा रहे हैं। उसको काट करके नहीं धोएंगे, पहले धोएंगे, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर पकने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से हम छील छील करके ऊपर का छिलका और इस तरह से पानी में डाल दे रहे हैं, और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो करके थाली में निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से पैर पसार करके बैठे हुए हैं आराम से और इस तरह से छील रहे हैं। तो थोड़ा दिक्कत होता है बैठने के लिए, इसीलिए पैर पसार लिए हैं। चलिए अब ये 2 बचा हुआ है, इसको भी इसी तरह से छील करके निकाल लेते हैं। दाल को हम छनका लगा लिए हैं, और मेरा देहाती स्टाइल तो आप सभी देखे होंगे कि मैं किस तरह से दाल को छनका लगाती हूँ। और अभी हम यहाँ पर लहसुन मिर्चाई डाल करके और यहाँ पर हम सब्जी को भी छनका लगा दिए हैं, देखिए। कढ़ाई को उल्टा कर लिए, इसमें हम नमक और हल्दी डाल दिए हैं हल्का,
बस ये अब बन के तैयार होगा। इसको धीरे धीरे आंच में पकने देंगे। चलिए इसको पकने देते हैं और दाल हमारा इधर तैयार है। बहुत दिनों बाद खाएंगे गोटरा का दाल। लहसुन और मिर्च ऐसे ही छनका है, जीरा नहीं डाले हैं। मटर का दाल में जीरा नहीं डालते हैं, हमको जीरा वाला अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए नहीं डाले हैं। तो चलिए अब इस सब भुजिया बनेगा, फिर उसके बाद में रोटी बनाना है। गर्मी बहुत जोर से लग रहा है, चलते हैं बाहर। तो दाल भात हम खा लिए हैं खा करके, और अभी हम यहाँ पर रोटी बेल रहे हैं, पकाना स्टार्ट कर दिए हैं। एक पकाए हैं और एक बेल रहे हैं, एक मेरा ताई में है मैदा का रोटी। फूल रहा है, इसको इससे करेंगे। ज्यादा नहीं बनेगा, बस लगभग 10 बनेगा या 8 बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। इस तरह से सबको बनाते हैं। लास्ट ये बचा हुआ है, और मैदा को रोटी तो हालत खराब कर देता है बेलते बेलते पकाते पकाते। देखिए रबड़ की तरह कितनों बेलिए इस तरह से छोटे को हो जाता है। फिर इसको ऐसे बेलिए, फिर इसको जब उठा दीजिएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। आराम से ऐसे बेलिएगा, इसके चौकी को ही पूरी तरह से घुमा घुमा करके इसको बेलिए। पसेना पसेन हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, खाएंगे जरूर। चलिए ये हो गया, तो यहाँ पर डाले हैं। ये फूलता है कि नहीं, सारी रोटी मेरा फूला हुआ है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये वाला फूलता है कि नहीं, ये भी फूल जाएगा। मैदा को चाहे आटा का हो, तो रोटी तो बहुत ही मस्त एकदम बन रहा है। अब ये लास्ट बेले थे, कितना बड़ा था, अभी कितना छोटा हो गया। रोटी, मैदा का रोटी हमको तो चकरुआ देता है। चलिए अब तेल डालते हैं, गिलास दीजिए। तो डाल रहे हैं तेल, गरम है रोटी तो इसीलिए हम इस तरह से डाल रहे हैं। तो खाना हमारा बनके तैयार हो गया है, तो आइए आप लोग भी खाने।
तो यहाँ पर हमारा झींगी आलू का भुजिया दाल और रोटी बनके रेडी। तो जस्ट अभी हम खाना खाए हैं, इसीलिए हम अभी ज़्यादा रोटी नहीं ला रहे हैं, बस एक ही रोटी खाएंगे। और ये हमारा मटर का दाल है, तो चलिए खाते हैं बाहर बैठ करके। शाहरुख पापा के लिए लगा दिए हैं। शाहरुख पापा बोल रहे हैं ना, एक ही रोटी ली है और बहुत स्पीड खा रहे हैं बोल लो, क्योंकि स्वाद बहुत ही लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है खाने के लिए। ऐसा दाल और ये भुजिया बहुत ही मस्त, एकदम सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ही रोटी लिए थे, खा गए, खत्म कर दिए, ज्यादा नहीं खाएंगे, हो जाएगा। और चारों सो गई है, मम्मी बैठी हुई है, मम्मी बोल रही है अभी तुम लोग खा, हम बाद में खाएंगे। मटर का दाल काफी अच्छा है।